नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बीटीवी न्यूज परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं सना, और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। अज्ञान के अंधेरों पर ज्ञान के उजाले के प्रतीक दीपोत्सव की धूम है। दीपावली के पावन पर्व को सुख समृद्धि का प्रतीक भी माना जाता है। घर घर माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन अर्चन हुआ और लोगों ने खुशहाली की कामना की। व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में भी विधि विधान से पूजन अर्चन हुआ। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के बाद धन की देवी मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। दीपावली के दिन पूरी संस्कारधानी रोशनी में सराबोर नजर आई। दीपावली पर्व की धूम संस्कारधानी में नजर आई। अज्ञान के अंधेरों पर ज्ञान के उजाले का प्रतीक दीपोत्सव पर समूची संस्कारधानी दीयों और विद्युत साज सज्जा की रोशनी से नहाई हुई नजर आई। घरों और व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में मां लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश का पूजन किया गया और सुख समृद्धि की कामना की गई। दीपावली पर आतिशबाजी के शानदार नजारे भी दिखाई दिए। लोगों ने आतिशबाजी कर इस पर्व की खुशियां मनाई। व्यवसायिक संस्थानों में भी विधि विधान से धन की देवी लक्ष्मी एवं श्री गणेश की पूजा की गई। गोरखपुर स्थित बीटीवी कार्यालय में भी संस्थान के संचालक राकेश अग्रवाल के द्वारा लक्ष्मी पूजन किया गया। इस अवसर पर संस्था का समस्त स्टाफ मौजूद रहा और पूजन के बाद शानदार आतिशबाजी भी की गई। ओम जाहा फल नीरजा अफला पुष्पाजा सुपुष्पणीहि द्विजादाति मनवहम सूक्तम पंचद सरचंचः श्रीकामा सततम जपे ओम यज्ञोपवीतम ओम यज्ञोपवीतम वरमं पवित्रं प्रजापतये शरणं पुरस्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुन्नु सुग्रं यज्ञोपवीतम ओम जय लक्ष्मी माता संस्कारधानी में दीपोत्सव के रंगों की अनूठी छटा बिखरी, जिसमें सभी शहरवासी सराबोर नजर आए। दीपावली पर्व पर शहरवासियों में हर्षोल्लास का माहौल है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी धरती पर पधारी थी और इसी दिन श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। ज्योतिषाचार्यों की माने तो इस दिन शुभ मुहूर्त पर लक्ष्मी गणेश का पूजन करने से सर्वोत्तम लाभ मिलता है तथा मां भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती है। पंचदिवसीय पर्वमाला के अंतर्गत आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या भगवती महालक्ष्मी कृपा का उत्सव पर्व है और यह अनेक प्रकार की घटनाओं से भी संबंधित है। पांडवों का चाहे वन से अपने राज्य में प्रवेश करना हो या भगवान श्री राम का अपने राज्य में प्रवेश करना हो 14 वर्षों के बाद, और अनेक घटनाओं से या भगवान वामन से भी जुड़ा हुआ पर्व है। तो सायंकाल के समय भगवती महालक्ष्मी के पूजन का विशेष महत्व है। आप षोडशोपचार विधि के सहित भगवती का पूजन करें और पूजन के लिए यह मध्याह्न 1:44 से लेकर 3:34 तक और सायंकाल 4 से लेकर शाम 7 तक और उसी के साथ गोधूली काल में शाम 5:41 से 8:39 तक मध्य रात्रि में सिंहलग्न स्थिर लग्न कहलाती है, जिसमें रात 12:19 से लेकर 2:57 के बीच में आप भगवती का पूजन करें और उसके साथ श्री सूक्त का पाठ करें। श्री सूक्त बेलपत्र मेवा इत्यादि के साथ भगवती के निमित्त आप हवन करें, यही आपको सुख समृद्धि प्रदान करने वाला रहेगा। दीपावली के दिन भी पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बालकिशन चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ छोटी उमती क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं देने के साथ उन्हें क्षेत्र की समस्याओं से निजात दिलाने का आश्वासन दिया।
विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान में चंद दिन शेष रह गए हैं, लिहाजा प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व विधानसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ छोटी उमती क्षेत्र में जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र के कई लोग नाले के किनारे रहते हैं, जिस कारण बदबू के साथ साथ उन्हें संक्रामक बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। आज हम लोगों का जनसंपर्क छोटी उमती में, जो हमारा विनोबा भावे वार्ड है और उसके साथ में लगा हुआ हमारा सीमेस कंपाउंड है, इन क्षेत्रों में हमारा आज जनसंपर्क रहा। वहाँ पे सभी माताओं बहनों का प्यार मिला, क्योंकि लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, वहाँ सुविधाएं अच्छी नहीं हैं, तो लोगों की नाराज़गी है। यहाँ के बीजेपी का भी विधायक रहा और कांग्रेस का वर्तमान में 10 साल से विधायक है, लेकिन यहाँ तक आज भी यहाँ पे लोग नाला के किनारे बसे हुए हैं, जिससे उनकी आर्थिक परेशानियाँ और सामाजिक परेशानियों के साथ साथ वहाँ जो रहने की स्थिति खराब है, ऐसे में वहाँ के लोग परेशान हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि यहाँ पे परिवर्तन करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का कहना है कि इस बार क्षेत्रवासी उन्हें सेवा करने का अवसर जरूर देंगे। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, ऐसे में चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी तेज हो गया है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना भी विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क कर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। रविवार को उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेसी प्रत्याशी विनय सक्सेना ने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं के बीच अपनी बात रखी। विधानसभा चुनाव के लिए 17 नवंबर को मतदान होने वाला है, ऐसे में चुनाव मैदान में उतरे सभी प्रत्याशी सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्याशियों का सघन जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना भी लगातार विधानसभा क्षेत्र में सघन जनसंपर्क कर मतदाताओं के बीच पहुँच कर अपनी बात रख रहे हैं। उत्तर मध्य विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना ने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में सघन जनसंपर्क किया और मतदाताओं से मुलाकात की। आज हम सब लोग अशफाकुल्ला वार्ड में हैं और हमारे क्षेत्र के सभी साथी, पार्षद साथी, अभी सभी वरिष्ठ कांग्रेस के नेता और क्षेत्र की हमारी जनता सब ने मिल के ठाना है कांग्रेस के पंजे का बटन दबाना है और सब लोग मिलजुल के जो काम क्षेत्र में विकास के हुए हैं वो चाहते हैं कि अनवरत क्रम बना रहे। हमारे उत्तर पथ में जो विकास हुए हैं अभी वो ट्रेलर है और अभी पूरी पिक्चर बाकी है और इसलिए सब लोग बिल्कुल संकल्पित हैं कि कांग्रेस की सरकार भी बनवाना है और विकास की जो बात यहाँ पर उठी है उसको पूरा करने के लिए हर कदम हमको उठाना है। कांग्रेस प्रत्याशी विनय सक्सेना और उनके समर्थक लगातार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं के घर घर दस्तक देकर उनका आशीर्वाद मांग रहे हैं। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बेहतर बनाने, जन समस्याओं को दूर कर शिक्षा, रोजगार एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के संकल्प के साथ पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मतदाताओं के बीच पहुँच रहे हैं। जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड के अंतर्गत गोरखपुर मेन मार्केट, बहन मोहल्ला, हाउबाग, पंसारी मोहल्ला सहित अन्य क्षेत्रों में भाजपा प्रत्याशी राकेश सिंह ने जनसंपर्क किया। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं के बीच पहुंचे भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के द्वारा जनहितैषी योजनाएं चलाकर जनता के कल्याण के लिए कार्य किया गया है और उन्होंने भी सांसद रहते हुए विकास के अनेकों कार्य कराए हैं और अगर जनता का विश्वास मिलता है तो इस विधानसभा को प्रदेश की सबसे विकसित विधानसभा बनाने का काम करेंगे। जॉर्ज डिसिल्वा वार्ड के अंतर्गत जनसंपर्क का कार्यक्रम हमारा है और गोरखपुर के मुख्य बाजार में भी जिस तरह से जनता आशीर्वाद दे रही है, दुकानों से, मकानों से लोग बाहर निकलकर उत्साह के साथ प्रफुल्लित होकर आशीर्वाद दे रहे हैं, उससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हर मन की ये इच्छा है। वैसे भी
मध्य प्रदेश के मन में मोदी जी हैं और मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश है, तो पूरे प्रदेश की जनता ही ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने और जो हमको प्रतीक स्वरूप में ऐसे जनसंपर्क में जनता की मुस्कुराहट से, जनता के आशीर्वाद से स्पष्ट हो रहा है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी उत्साह के साथ घर घर जाकर आशीर्वाद मांग रहा है। मेरी भी कोशिश है कि अधिकतम स्थानों पर पहुंचकर जनता से मैं आशीर्वाद प्राप्त करूं। उत्तर मध्य विधानसभा में भाजपा के युवा प्रत्याशी अभिलाष पांडे ने सुभद्रा कुमारी चौहान, कमला नेहरू वार्ड और विवेकानंद वार्ड में मतदाताओं से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। जनसंपर्क के बीच उन्होंने मतदाताओं से कहा कि कांग्रेस ने झूठ और छलावे की राजनीति की है, जिसे जनता भी समझ चुकी है। उत्तर मध्य विधानसभा के मतदाताओं से समर्थन जुटाने के लिए भाजपा के प्रत्याशी अभिलाष पांडे इस विधानसभा के विभिन्न वार्डों में जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा उम्मीदवार ने मतदाताओं से कहा कि कांग्रेस झूठ और छलावे की राजनीति करती है और यही वजह है कि उत्तर मध्य में वर्तमान विधायक द्वारा किए गए वादे पूरे नहीं किए गए और न ही सरकार की योजनाओं का भरपूर लाभ इस क्षेत्र की जनता को मिला है। आज सुभद्रा कुमारी वार्ड, कमला नेहरू और विवेकानंद वार्ड के अंतर्गत जनसंपर्क है और जनसंपर्क करने के लिए हम लोग निकले। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजा बुंदेला जी हैं, पूर्व महापौर आदरणीय स्वाति भाभी हैं, हमारे सम्मानी मंडल अध्यक्ष योगेश जी सहित सारे वरिष्ठ जन यहाँ पर हैं। जनसंपर्क के माध्यम से जनता से आशीर्वाद लेने के लिए निकले हैं। ये आशीर्वाद इस बात का है कि मध्य प्रदेश में विकास की सरकार है जो विकास के काम कर रही है, और आशीर्वाद इसीलिए मुझे मिल रहा है क्योंकि इस विधानसभा के अंदर कांग्रेस के विधायक लगातार झूठ फैला रहे हैं, झूठे वादे कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए हुए कामों में सिर्फ अपना वीडियो जारी कर रहे हैं। जनता समझ चुकी है कि अब झूठ छल और छलावा नहीं चलेगा, जनता के विकास के मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाएगी और इस ऐतिहासिक विधानसभाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की दृष्टि से और कैसे अच्छा किया जा सकता है, उस दिशा के लिए आशीर्वाद मिल रहा है। अभिलाष पांडे ने विवेकानंद, सुभद्रा कुमारी चौहान और कमला नेहरू वार्ड में जनसंपर्क किया। महंगाई को कम करने एवं बेरोजगारी को दूर करने का संकल्प लेकर पश्चिम विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोत जनता से संवाद कर रहे हैं और 17 नवंबर को होने वाले मतदान में अपने मताधिकार का उपयोग करने की भी अपील कर रहे हैं। शंकर शाह नगर वार्ड में जनसंपर्क करने पहुंचे तरुण भानोत ने कांग्रेस के वचन पत्र में लिखी घोषणाओं को पूरा करने का वादा किया। पश्चिम विधानसभा में चुनावी घमासान तेज हो गया है और प्रत्याशी भी सघन जनसंपर्क में जुटे हुए हैं। इसी श्रृंखला में कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट भी मतदाताओं के बीच जाकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी तरुण भानोट ने शंकर शाह नगर वार्ड में जनसंपर्क किया। तरुण भानोत ने बताया कि वर्तमान सरकार के राज में जनता महंगाई एवं बेरोजगारी की मार झेल रही है। जनहितैषी बनने वाली सरकार ने आम लोगों के साथ केवल छलावा किया है और जनता भी इसे समझ रही है। भगवान भोले शंकर का आशीर्वाद लेकर सुबह से शंकर शाह वार्ड में जनसंपर्क हो रहा है, सबको दीपावली की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं और ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है, जन आशीर्वाद मिल रहा है कि पुनः 17 तारीख को हाथ का बटन दबेगा और ये हमारा परिवार जबलपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की जनता का जनसेवक के रूप में 5 साल काम करने का मौका मिलेगा। जो रुके हुए काम है वो तेजी के साथ हो, संस्कारधानी जबलपुर का विकास हो, महंगाई और बेरोजगारी से जो लोग परेशान हैं उनको आशा है, विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी की नई सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और लोगों को इससे निजात दिलाएगी। और ये हमारा संकल्प भी है कि हाँ, महंगाई कम होना चाहिए, लोगों की कमाई बढ़ना चाहिए और हमारे बेरोजगार युवकों को, युवतियों को
काम मिलना चाहिए जिससे वो जबलपुर संस्कारधानी में ही रहकर अपने परिवार के साथ अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। पनागर विधानसभा क्षेत्र में 10 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। यहां कांग्रेस भाजपा सहित सभी उम्मीदवारों का सघन जनसंपर्क जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेश पटेल और उनके समर्थक विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क कर मतदाताओं तक पहुंचकर अपनी बात रख रहे हैं। शनिवार को कांग्रेस प्रत्याशी ने सुहागी और आसपास के क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क किया। विधानसभा चुनाव की तिथि जैसे जैसे पास आ रही है, प्रत्याशियों का जनसंपर्क भी वैसे वैसे तेज हो गया है। प्रत्याशी हर मतदाता तक पहुंचने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में पनागर विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल का विधानसभा क्षेत्र में व्यापक जनसंपर्क जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल और उनके समर्थक विधानसभा क्षेत्र के घर घर में दस्तक दे रहे हैं और विधानसभा के संपूर्ण विकास के वायदे के साथ जनता तक अपनी बात रख रहे हैं। सुहागी में जनसंपर्क कर रहे हैं। निश्चित रूप से यहाँ जनसंपर्क करने में जो तकलीफें चलने में, पैदल चलने में और जो लोगों के घरों की, कुल मिला के यहाँ तो ये मान लीजिए कि नारकी जीवन जी रहे हैं लोग। समझ में नहीं आता कि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक इनको ऐसा क्यों छोड़ रखा है। क्या वो सिर्फ राशन बांट के और लोगों से वोट मांगना चाहते हैं या पीडीएस का राशन चुरा के और वोट मांगना चाहते हैं? समझ में नहीं आ रहा कि इन्होंने आज तक किया क्या है। सिर्फ घोटालों के अलावा कुछ किया नहीं है। लोग परेशान हैं, उनकी मूलभूत सुविधाएं जो है वो भाजपा सरकार नहीं दे पा रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग जहाँ घूम रहे हैं, लोग खुद निकल के आ रहे हैं और बदलाव एक स्पष्ट दिख रहा है कि परिवर्तन के लिए लोग वोट दे रहे हैं। ऐसे ही पिछली 1.25 साल की कमलनाथ जी की सरकार में सारी पेंशन जो 300 थी वो 600 हो गई थी। निश्चित रूप से जैसे ही कांग्रेस की सरकार फिर से आ रही है, सब 600 वाली जो पेंशन है वो सारी की सारी जो है 1000 रुपये हो जाएंगी। कमलनाथ जी सबके लिए सोचते हैं। 111 पॉइंट पे जो वचन पत्र बनाया हुआ है, निश्चित रूप से जैसे ही सरकार आएगी, लागू होगी, खुशहाल मध्य प्रदेश नजर आएगा। कांग्रेस प्रत्याशी राजेश पटेल ने शनिवार को विधानसभा क्षेत्र के सुहागी और आसपास के इलाकों में सघन जनसंपर्क किया। दीपावली की पूर्व संध्या पर ग्वारी घाट में अयोध्या की तर्ज पर भव्य दीपोत्सव मनाया गया। संतों के सानिध्य में 51,000 दीपों के अलौकिक प्रकाश ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। खास बात ये रही कि लोगों ने स्वयं के लाए हुए दीपों को प्रज्वलित कर इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। दीपावली की पूर्व संध्या पर संतों के सानिध्य में ग्वारी घाट में भव्य दीपोत्सव मनाया गया। संतों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर मां नर्मदा अष्टक के पाठ के साथ नर्मदा की महाआरती की गई और इसी के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तदुपरांत लोगों ने स्वयं के घर से लाए हुए दीपों को प्रज्वलित कर कार्यक्रम को सफल बनाया। 51,000 दीपों के अलौकिक प्रकाश ने जबलपुर शहर को अयोध्या और मां नर्मदा को सरयू बना दिया। चारों ओर प्रकाश की आभा देखते ही बनी। इस मौके पर सांसद राकेश सिंह ने कहा कि दीपावली रोशनी, हर्ष और उल्लास का पर्व है। संतों के आदेश पर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी ग्वारी घाट पर भव्य रूप से दीपोत्सव मनाया गया। आज दीपोत्सव के पर्व को हम सभी ने यहाँ पर मनाया। इस पर्व पर अपने अपने घरों से लोग एक दीपक लेकर आते हैं और उसके बाद उसको यहाँ पर जो तय स्थान होता है उस पर रखकर प्रज्वलित करते हैं और एक बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। माँ का श्रृंगार दीपों से होता है। तो आज दीपोत्सव का वो पर्व हमने मनाया। मैं अपनी ओर से समस्त श्रद्धालुजनों को, संस्कारधानी के लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और माँ से प्रार्थना करता हूँ कि सभी के घरों में सुख समृद्धि और शांति का वास हो। दीपावली का यह पवित्र पर्व सभी के लिए मंगलमय हो। वैसे भी हम सबके लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है क्योंकि दीपावली का पर्व प्रारंभ हुआ है जब प्रभु श्री राम लंका विजय के उपरांत अयोध्या लौटे थे और अब दीपावली से नया वर्ष भी हमारा प्रारंभ होता है। तो इसी वर्ष 22 जनवरी को प्रभु श्री राम अयोध्या में अपने भव्य राम मंदिर में विराजने वाले हैं।
तो ये एक सुखद संयोग है जो 600 साल के बाद हम सभी को देखने को मिलेगा। प्रभु की कृपा है, उनके चरणों में नमन करते हुए यह भी प्रार्थना है कि सभी पर ऐसी कृपा हो कि सभी जाकर एक बार प्रभु श्री राम का दर्शन कर सके। दीपावली के अवसर पर दीप प्रज्वलित करना अंधकार पर प्रकाश की जीत का सूचक है। दो माह पूर्व मंडला के ग्राम बमनी से जख्मी हालत में लाए गए तेंदुए का उपचार वेटनरी में चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार लेपर्ड के स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है और उसके जख्म भी काफी हद तक भर चुके हैं। उन्होंने बताया कि लेजर थेरेपी से तेंदुए का उपचार किया गया है। बहमनी में घायल हालत में मिले तेंदुए का उपचार स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक हेल्थ के विशेषज्ञों की देखरेख में चल रहा है। संस्था के डायरेक्टर शोभा जावरे ने बताया कि तेंदुए का इलाज लेजर थेरेपी से किया गया और उसके शरीर के कुछ हिस्से में घाव भर चुके हैं और कुछ हिस्सों के जख्म रह गए हैं जो धीरे धीरे भर जाएंगे। लेजर थेरेपी से इसकी हमने शिकायत करी तो जैसे इसके घाव जो है बहुत तेजी से भरने लगे, फिर जब इसे घाव तेजी से अच्छे होने लगे तो फिर जब हमने इसको नरवाइन टॉनिक वगैरह दी तो एक एक होता है फिजियोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, इसको बोला जाता है टेंस, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसडर्मल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन, ये जो होता है इससे जब हमने इसके पीछे, और एक और होता है थेरेपेटिक अल्ट्रासाउंड जिससे हमने जहाँ पे पीछे के पैरों से चल नहीं पा रहा था वहाँ हमने इसके पूरे पैरों में सिकाई करी। तो हमने कहा धीरे धीरे महीने के भर के बाद हमने देखा, जब हमने इसको छोटे केज से बड़े केज में छोड़ा तो हमने देखा कि ये अपने पैरों पे वजन लेने लगा, और अब हमने एक और बड़े केज से एक और बड़े वाला हमने इसको एक नेचुरल हैबिटेट देने की कोशिश करी कि इसको जंगल सा लगे थोड़ा सा। जब हमने उसमें डाला तो देखा कि अपने दोनों पैरों पे बहुत अच्छे से चल पा रहा है। आज की स्थिति में इसके पूरे पीठ के घाव, पूरे पेट के घाव सारे ही भर चुके हैं, सिर्फ इसके जो दोनों हम कहेंगे हिप जॉइंट है वहाँ पर छोटे छोटे घाव रह गए हैं, जिसको भी मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15 दिन और लगेगा भरने में। फिलहाल तेंदुए का उपचार विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में जारी है। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। यहां के सभी 6 प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क करने में जुटे हुए हैं। सिकड़ी में कांग्रेस प्रत्याशी लखन घनगोरिया ने द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड में जनसंपर्क कर कहा कि अगर जनता प्रदेश में कांग्रेस की सरकार चुनती है तो पार्टी अपनी योजनाओं के माध्यम से उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है वैसे वैसे पूर्व विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी लगातार ढोल बाजे और अपने समर्थकों के साथ लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। शनिवार को उन्होंने द्वारका प्रसाद मिश्र वार्ड में घर घर कर लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। इस दौरान कांग्रेस ने कहा कि अगर जनता प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनती है तो कांग्रेस पार्टी महिला सम्मान योजना, 500 रुपये में गैस, 100 यूनिट फ्री बिजली, पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत प्रदेश की जनता को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने अपनी 5 गारंटियों का ऐलान किया, जिसमें मुख्य रूप से सरकार यदि आती है तो 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को दिया जाएगा। 1500 रुपये प्रति माह, इसका मतलब सीधा सीधा है साल भर का 18,000, और 500 रुपये में गैस सिलेंडर, मतलब एक परिवार एक साल में कम से कम 12 गैस सिलेंडर का उपयोग करता है, लगभग 600-700 रुपये की बचत, और कुल मिला के लगभग 7,000 रुपये साल का, 18,000 प्लस 7,000 बोल रहे तो 25,000 रुपये की ये राहत। इसके साथ साथ यदि किसी परिवार में कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है उसको 1 से 8 तक की क्लास के लिए 500 रुपया, और 8 से 10 तक की क्लास के लिए 1,000 रुपये, और 10 से 12 क्लास के लिए 1500 रुपये। आप समझ लीजिए कि साल भर में लगभग 25,000 रुपये की बचत मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार, कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये ऐलान है, और यदि सरकार बनती है तो 30-35 हजार का की यदि बचत होती है।
मतदान की तिथि नजदीक आते ही पूर्व विधानसभा क्षेत्र में सभी प्रत्याशी तेजी से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए बीटीवी न्यूज़।